फरवरी में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कोविड के टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो इस बजट के रहते राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे अपने बजट से टीका खरीदें? क्या राज्यों को टीका खरीदने के लिए कोई पैसा दिया भी जा रहा है? 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद ली। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं दिया या कितना दिया, जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया था। तब जब उसकी आबादी 39 करोड़, ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने तो आबादी से अधिक इतना ऑर्डर कर दिया कि एक आदमी के लिए 10-10 टीके उपलब्ध हो गए। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब दुनिया के बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया। लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही। आपको याद होगा जब मार्च में कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई तब सरकार की तरफ कई सवाल टीकाकरण को लेकर। उन सब के बीच प्रधानमंत्री ऐलान कर कितना आत्मविश्वास कि टीकोत्सव मनाया जाएगा, टीका उत्सव मनाया जाएगा। आपको पता है उस टीका उत्सव का क्या हुआ? भोज में सबको बुला लिया गया भोजन बनाने। आज आप देख पा रहे हैं कि जिस अभियान को मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बता रही थी उसकी क्या हालत भारत में और दुनिया, और किस आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम कहा गया? किस आधार? क्या आपने कभी सोचा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के पास उनकी आबादी से अधिक टीके? वो तो ऐसा दावा नहीं कर। हमारे पास 25 करोड़ लोगों को देने के भी टीके अभी तक उपलब्ध नहीं। दिल्ली में इतना ही पोस्टर लग गया कि बाहर क्यों दिया गया टीका, पुलिस ने केस कर दिया। लोग बोले भी तो कैसे बोले? आप गोबर पर बोल सकते, प्रो गोबर बन जाइए, पुलिस केस नहीं करेगी। हम एक बिखरे हुए मुल्क को देख रहे हैं जहां अस्पताल में कोई ऑक्सीजन के बगैर मर जा रहा है, जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजते खोजते कोई मर जा रहा है। ऐसी भयावह तस्वीरों के अलावा बचा क्या?